हमारे साप्ताहिक शो फेयर एंड स्क्वेयर में आपका स्वागत है। इस शो में आज हमारे मेहमान हैं चंडीगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स और वाटर रिसोर्सेज मंत्री पवन कुमार बंसल। इनका राजनीतिक सफर बेहद कामयाबी भरा रहा है। वो ना सिर्फ राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं बल्कि 4 बार चंडीगढ़ से लोकसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। हाल ही में स्थगित हुए मानसून सेशन के दौरान केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते वो यूपीए सरकार के ऊपर विपक्ष के तीखे वारों का जवाब देने में जुटे हुए थे। पवन कुमार बंसल, आपका फेयर एंड स्क्वेयर में स्वागत है। पवन जी, संसद का जो मानसून सेशन शुक्रवार को समाप्त हुआ उसमें काफी शोर शराबा हुआ, इस शोर शराबे के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? मैं समझता हूँ मैं सीधा जिम्मेदारी से बात नहीं करूंगी किसकी है जी। सबसे पहले तो ये कि हम देश की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे, ये अफसोस की बात है। बहुत जद्दोजहद के साथ जो इंडिपेंडेंस ली थी और उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाया जिसमें ये कि कितने भी मतभेद किस बात पे क्यों ना हो, कोई भी ज्वलित मुद्दा हो उसके चर्चा के लिए पार्लियामेंट उसकी सही जगह है, ये शायद पहले रहता रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो रहा है। और इस बार जिस ढंग से ये खत्म हुआ वो शायद जो कहते हैं गिरावट की हद उसने तय कर ली। पहली बार ये सुनने में आया और यहां मैं कहता हूं जिम्मेदार कौन है जी, विपक्ष ने ये पहली बार खुल के ये बात कही कि पार्लियामेंट में हम चर्चा नहीं चाहते। पहले ये होता था सरकार किसी विषय पे हम अपने कानून कायदे का बात जिक्र करते थे कि इसके तहत चर्चा हो यहां चर्चा नहीं हो, उस पर वो इतराज करते थे तो जिम्मेदारी हमारी मान लेते थे कि सरकार को चाहिए था 2 कदम आगे बढ़ने का। इस बार जब उनको कहा, जो मुद्दा उठाया गया जो मैं समझता हूं पूरा बेबुनियादी है, वो अपने आप में बहुत लंबा समय उसकी चर्चा पर लगता है, लेकिन जब हमने कहा आइए पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए तो जवाब क्या मिला कि वैसे चर्चा का कोई फायदा नहीं, ऐसे इट इज टॉक्ड आउट, बात करके बात खत्म हो जाती है, आप जिस रूल के तहत वोटिंग का होता है उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि आपकी संख्या है आप जीत जाएंगे। एडजर्नमेंट मोशन एक बहुत अहम एक टूल होता है पार्लियामेंट के हाथ में जो गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, उसका उन्होंने कहा उसका फायदा नहीं, आपके नंबर हैं आप उस पर जीत जाएंगे, इस कारण पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करनी, चर्चा का कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ पार्लियामेंट को बाधित करते रहेंगे, पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। और ये हम समझते हैं ये अपने आप में भी एक पार्लियामेंट्री एक्टिविटी है, पार्लियामेंट्री डिवाइस है, प्रक्रिया है, इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। लेकिन पवन जी, विपक्ष का मानना है, उनका कहना है कि जो भी सिचुएशन डेवलप हुई संसद में उसके लिए सरकार जिम्मेवार है क्योंकि सरकार ने एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया हुआ था। सीधा पहले दिन ही उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री रिजाइन करें, इसी कारण मैं ये कह रहा हूं इस बात में चर्चा करनी नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, चर्चा के बाद कोई बात पे हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसके बाद क्या होना चाहिए, वही हो सकता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक जा सकते थे अगर उसमें इतना था, वो तो सबसे अखीरला एक वेपन है नो कॉन्फिडेंस का मूव करते पार्लियामेंट के खिलाफ, ये कहना कि नंबर हमारे पास नहीं है हम चर्चा चाहते नहीं पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है? याद आता है इस बात में वो फैसिज्म का, फैसिज्म ऐसे ही पैदा होती है, ऐसे ही हुई थी, नंबर अपना है नहीं, माइनॉरिटी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बिल्कुल धज्जियां उड़ाते हुए उसके खिलाफ बात करते हुए कि जो हमने कह दिया वो सही है, कहां पता लगेगा वो सही है क्या गलत है? लेकिन अगर एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट से वो सही कहते हैं और आज हमारे पे इल्जाम लगाया जाता है कि हम रिपोर्ट के प्रति कोई शब्द आपत्तिजनक बोलते हैं जो नहीं बोला। पहले समय जब कॉफिन पे हुआ था उस वक्त शोरी जी जो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते हैं उन्होंने कहा था कि द सीएजी इज इडियोटिक और फिर कहा साथ सॉरी पिक्यूलियर। अरुण जेटली जी ने कहा था वी वॉमिट आउट वी, ऐसा कहकर उनके प्रति कहा और कहा कि इट्स द जनरल्स हु गो टू वॉर नॉट द ऑडिटर जनरल्स, उन्होंने ये शब्दों में टिप्पणी की थी। हमने इसका मतलब है सीएजी किसी भी सरकार को रास नहीं आती है, सीएजी रास आनी भी नहीं चाहिए, सीएजी का काम है, मैं ये फिर कहता हूं कि कहीं भी सरकार के काम में सरकार के खर्चे में कहीं गलती हुई है उस गलती को पॉइंट आउट करें। और ये आजादी से नहीं, उससे बहुत वर्ष पहले से 1920 में हमारे यहां ये सीएजी का एक जो इंस्टीट्यूशन है वो चल रही है, लेकिन अब क्या हुआ है
अगर हम इंस्टीट्यूशंस वाले भी उनमें समझें कि हमने सरकार चलानी है या हमने सरकार गिरानी है, या ऑपोजिशन वाले उसका जो एक सिस्टम है कि उसकी चर्चा पीएससी में होनी है, पार्लियामेंट में होनी है, उसको पकड़ छोड़ते हुए, सीएजी की रिपोर्ट फाइनल नहीं होती, उसको फाइनल मानते हुए, फाइनल होती है जब उसकी पीएससी उस पर अपनी तफ्तीश करती है। जी, आपके कांग्रेस के कई जो सीनियर नेता हैं उन्होंने सीएजी की काफी आलोचना की है, जैसे दिग्विजय सिंह ने सीएजी की काफी आलोचना की। आपको नहीं लगता कि एक लोकतंत्र में सीएजी की बड़ी अहम भूमिका है, उसकी इस तरीके से आलोचना करनी शायद सही नहीं है? अहम भूमिका किसकी नहीं? प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। अगर वहां सेंसिटिव नहीं है हम उनके लिए, अगर आलोचना होती है हम आलोचना से घबराएं? बल्कि आलोचना तो सबकी खुलेआम होनी चाहिए। अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो उसमें क्या कहा गया है कि कोल इंडिया जो सरकार की कंपनी है जी, उसने कोला निकालने में इतना उसका खर्च होता है और कोला आगे बेचने में इतना रेट पे बेचती है, यानी कि उनका प्रॉफिट इतने पे कह दिया, उसका ओवरहेड किसी का जिक्र नहीं किया, उनका एक्सट्रैक्शन पे खर्चा कम होता है इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि नेशनलाइज जब हुई थी उस वक्त से उनके पास है, उनका इतना प्रॉफिट होता है। अगर आप यही प्रॉफिट प्राइवेट लोगों को ना देते, इनके पास होता तो इतना 1,86,000 करोड़ उनका हो जाता। यहां मैं एक मामूली सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको, कितने चैनल्स हैं देश में आज, टेलीविजन चैनल्स काफी, 3-4 शायद बीच में कुछ का प्रॉफिट ना हो, ज्यादा का प्रॉफिट है जी। अगर आज कोई ये कह दे कि ये सभी चैनल्स अगर दूरदर्शन के तहत होते, दूरदर्शन को इतना प्रॉफिट हो जाता, ये प्रॉफिट दूरदर्शन को नहीं हुआ जो प्राइवेट चैनल्स को प्रॉफिट हुआ है, इस कारण ये स्कैम हो गया। अगर पानी का उदाहरण ले लें, एक पानी की बोतल 12 रुपए की मिलती है, आपको घर में पानी 1,000 लीटर 6 रुपए में आता है, कल को कोई ऑडिटर ये कह दे कि पानी में हजारों करोड़ अरबों करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया, म्युनिसिपैलिटीज ने पानी मुफ्त बांट दिया, कोई वाजब रहेगी बात? लेकिन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, काफी बड़ी रकम है। वही कह रहा हूं ना, उसके वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन, यही एक हमारी आज के दिन मैं समझता हूं जो हमारे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई है कि हम एक सेंटेंस कहीं से पकड़ते हैं उस पे हम अपने फैसले अपना निर्णय अनाउंस कर देते हैं। मैं वही समझा रहा था, उन्होंने कहा जो कोल इंडिया को फायदा हो सकता था वो फायदा नहीं हुआ, वो 1,86,000 करोड़ था, पहले तो ये कहा जी। इसमें ये नहीं देखा कि इनके लिए ये कैप्टिव माइंस हैं, कोल इंडिया भी प्राइवेट बेच सकता है। कैप्टिव माइंस का मतलब है कि अगर किसी ने थर्मल प्लांट लगाया है उसको कोल दिया जाएगा, यहां से कोयला लेके जाएगा, थर्मल प्लांट चलाएगा और बिजली की कंपेटिटिव बिडिंग है, जो कम से कम बिजली का रेट देगा, चार्ज करेगा सरकार से, उसको बिजली का थर्मल प्लांट दिया जाएगा और रेट वो तय होता है, कंपेटिटिव बिडिंग हो गई। दूसरा है स्टील और सीमेंट, उनके लिए यहां से कोयला निकाल लेगा, अपने कारखाने में लेके जाएगा और हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, कोयले को और सीमेंट को, उन कारखानों को हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, नुकसान भी होते हैं, लेकिन उस बात को फिर छोड़ दीजिए, नुकसान होते हैं कि नहीं। उन्होंने कह दिया कि इनको 1,86,000 हो जाता और अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आगे जाके, ये कह रहे हैं कि अगर आप इनकी नीलामी कर देते, जो प्रधानमंत्री ने नीलामी की एक वो कार्यवाही एक प्रक्रिया शुरू की जिसके लिए काम चलना शुरू हुआ, कानून बनाने के लिए लगे, कहते आपने उसमें इतना समय क्यों लगा दिया, और अगर आपने उसका काम सोच लिया था, पहले नहीं सोचा था एनडीए सरकार जो आज शोर कर रही है, उन्होंने नहीं सोचा था, प्रधानमंत्री ने, इस सरकार ने पहली बार कहा कि नहीं इसके लिए हमें नीलामी करने की जरूरत है। लेकिन अरुण नेहरू ने किसी अखबार में लिखा है कि इस कोयले की आवंटन में गड़बड़ी तो हुई है। मैं फिर इससे पहले मामूली सा थोड़ी सी वो बात पहले खत्म कर दूं, फिर उसके बाद एकदम इसका जवाब देना चाहूंगा। आगे जाके उन्होंने कहा है कि अगर इसकी आप ऑक्शन कर देते तो इसका कुछ हिस्सा सरकार के पास आता। इट्स अ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी आर्ग्यूमेंट। एक तरफ आपने कह दिया 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया, गबन कर दिया, स्कैम हो गया, खा गए। दूसरी तरफ कहते हैं अगर आप इसकी नीलामी कर देते और इसका कुछ पैसा तो सरकार को आता, तो सरकार का नुकसान हुआ तो कितना हुआ? और फिर 35 वर्ष, एकदम का इकट्ठा नहीं, ये 35 वर्ष में होना था। और उसके अलावा नहीं देखा ये कोयले का, कोयल इंडिया का कोला कौन सा था, कौन से ग्रेड का था, ये कौन से ग्रेड का है, उनका खर्च कितना होता है, इनका खर्च कितना होता है। इस कारण मैं समझता हूं अगर ये पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होती, जो विषय आपने दूसरा उठाया है, अगर अरुण नेहरू बहुत देर से कांग्रेस को गिराने की कोशिश करते रहे हैं और अगर उन्होंने भी कह दिया, कोई भी कहीं उसका अधिकार है कहने का, और जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम वी विल नॉट ब्रश इट स्वीप इट अंडर द कार्पेट, इस पे कोई भी रिपोर्ट आई है उस पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। राजनीतिक दल जो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे थे तो उसके ऊपर कांग्रेस को क्या आपत्ति है? इस रिपोर्ट से पहले उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की,
हर चीज पे जुडिशियल इंक्वायरी के साथ नहीं काम होता, हमारे सिस्टम्स हैं। उन्होंने कहा, ये पहले जो बजट स्पीच थी उसमें वित्त मंत्री उन्होंने कहा था कि हम एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाएंगे, जिन्होंने अपने माइलस्टोन्स तय नहीं किए, अगर उन्होंने कुछ काम कर लेना था इतने इतने समय पे और नहीं किया, दे आर सिटिंग ओवर द माइंस, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर 2G में, अगर 2G में अगर कोर्ट्स इंटरवीन करके इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? वेल, कोर्ट्स का काम है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर आज इसमें भी कोर्ट्स चाहते हैं तो कोर्ट का काम है, वो हमें मानना पड़ता है। हम उससे उसको सही समझें या ना समझें, एक सिस्टम को चलाने के लिए उसको मानते हैं, हम मानते हैं। जबकि मैं समझता हूं बहुत कुछ हमें जवाब देने का 2G में भी है, और मेरा विश्वास है कि 2G में भी किसी को सजा नहीं होगी। 2G में भी गलत कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, लेकिन कचहरी का फैसला हमें मानना है। और यही मैं कहता हूं कि सिस्टम में कोई सिस्टम तो अपना रखें, विपक्ष के लिए कोई सिस्टम नहीं। पार्लियामेंट में रोजाना आके शोर करना है लगातार, और उसके बाद कहना कि वो सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूं, जो हमारा सिस्टम मुश्किल के साथ ये बना है, जो दुनिया में देश का नाम है, आज के फंक्शनल डेमोक्रेसी हमारी है सबसे बड़ी, उसको हम ध्वस्त करने लगे हैं, उसको खत्म करने लगे हुए हैं। लेकिन पवन जी, आपको नहीं लगता कि कोयले के आवंटन में डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल हुआ है? ये फिर आपने जो मेरे, अगर आपने जो कुछ सवाल करना हो उसका जवाब दे रहे हैं, डिस्क्रिशन नहीं हुई, फिर समझने की जरूरत है। 2004 तक जब एनडीए सरकार थी, डिस्क्रेशन टोटल थी, मनमर्जी थी, उस वक्त डिस्क्रेशन थी। एक आदमी स्टेट से एक रेकमेंडेशन लेके आता, यू वुड वॉक इन विद अ रेकमेंडेशन एंड वॉक आउट विद अ लाइसेंस। ये उसको बदला, ये महसूस किया कि ये सही नहीं है, ज्यादा लोगों को अगर देना है तो इसके लिए आप एडवर्टाइज करिए, एडवर्टाइज करके लोग सभी को दुनिया को पता हो कि कोल सरकार ने ये कैप्टिव माइंस देनी है। और कैप्टिव माइंस शब्द रखना याद बहुत जरूरी है जी, इन चीजों के लिए, क्योंकि हमें देश में सीमेंट की भारी जरूरत है, हमें स्टील की भारी जरूरत है, हमें बिजली की इतनी जरूरत है। पिछले 5 वर्षों में तो कोई 22,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई, उससे पहले तो हमेशा बहुत कम होती रही, अब सारी मिला के तकरीबन 2,00,000 मेगावाट है। हमें चाहिए कितनी आने वाले दिनों में, 40,000 मेगावाट एक साल में, हमें उसमें बढ़ोतरी की जरूरत है। ऐसे नहीं हो सकती घर बैठे और अगर हम ये बातें करते रहेंगे, इसलिए जरूरत है ये सब करने का। फिर भी ये कहा क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे, सभी को पता लगे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी कंडीशंस हैं उसकी, ये उसकी क्रेडेंशियल्स होनी चाहिए, ये उनकी तैयारी होनी चाहिए, उनके पास इतनी क्षमता काबिलियत कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपिटल का इंतजाम होना चाहिए पैसा खर्च करने का। और उसका मैं अगर आपको जिक्र करूंगा आप दंग रह जाएंगे कि कितना पैसा चाहिए इनके लिए। अगर 1 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करनी हो तो 6 करोड़ रुपए का उसके लिए खर्च चाहिए, 1,000 मेगावाट का लगाना हो तो 6,000 करोड़ उसके लिए जरूरत होती है। टोटल जो ये 57 ब्लॉक्स का जिक्र करते हैं, इनके लिए अगर स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट और थर्मल प्लांट लगाना हो तो 3,20,000 करोड़ रुपया जरूरत है। कहां से आएगा वो पैसा? लोगों ने पैसा बैंकों से रेज करना है, लोगों ने, आप जैसे सभी लोग जो निवेश करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं, बैंक आगे उनको देते हैं, एक इकोनॉमिक सिस्टम चला हुआ है, क्या आप उसको रोक देते हैं? इसलिए अगर उसमें एक उन्होंने एक इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की कि ये सब लोग अप्लाई करें, वो किया। उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमिटी थी उसमें पावर मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और जितने सरकारें हैं जहां जहां कोयला है उन सरकारों के चीफ सेक्रेटरी उसमें हाजिर होते थे। किसी ने इतराज नहीं किया, बल्कि क्या किया इतराज की जगह, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें थी, हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, नवीन पटनायक का, जितनी और उनकी सरकारें थी, उनका लिखा आया हुआ है कि हम चाहते हैं कि आप इसमें अगर नीलामी की बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप हमारे अधिकार हमारे से छीन रहे हैं, अब इसका हमारे पास अधिकार है, हम किसका नाम सिफारिश लेकिन दे। अगर इस सबको इंक्वायरी करने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो जाती तो शायद ये सब कुछ बाहर आ जाता। जुडिशियल इंक्वायरी ही से सब कुछ नहीं निकालती, बाहर जो कुछ होगा आता रहेगा, रुकेगा नहीं। जुडिशियल इंक्वायरी की बात तो उन्होंने सिर्फ अखीरले दिन की, उन्होंने पहले सिर्फ सीधा यही कहते रहे कि प्रधानमंत्री रिजाइन करे, प्रधानमंत्री रिजाइन करे, इसके अलावा कोई बात नहीं की। जब इस बात में उन्होंने देखा कि वो फंस रहे हैं और हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में चर्चा हो, क्या पार्लियामेंट में 4 दिन चर्चा उनका सब कुछ रोक देती? पार्लियामेंट में चर्चा के बाद, पार्लियामेंट में 1 सेकंड, पार्लियामेंट की चर्चा के बाद अगर ये बात भी सिद्ध होती कि हाँ शायद यहां बातें नहीं आई, जो हम बात कहना चाहते थे वो बातें सामने नहीं है, उनको पूरा निष्कर्ष तौर पे नहीं आ पाया, शायद जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो जाती। ये लोकतंत्र में कहां है। लेकिन